तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से है हमारी चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जो हमें घर पे बिल्कुल फ्री में मिलता है, और इसके फ़ायदे अनेक हैं। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये तीनों तरह से काम करता है। वो पेस्ट को भी हटा देता है, इंसेक्ट्स को भी हटा देता है, और हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़ भी करता है। हम अगर इसका उपयोग सही तरीके से करिए तो, वरना ये पत्ते को जला भी सकता है। तो किस तरह से उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र आज हम बनाने वाले हैं हमारे लहसुन के छिलके से, जो कि हम हर घर में लहसुन तो यूज़ करते ही करते हैं। जब भी हम लहसुन की कलियाँ निकालते हैं तो इसके छिलके बाकी रह जाते हैं, और ये छिलके सब हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों, अब से क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है। जबकि हम प्लांट पेरेंट्स हैं तो हमें कोई भी किचन से निकली चीज़ को फेंकना नहीं है। तो आपको लहसुन की छिलके को भिगो के रखना है, जितना छिलका है उससे डबल पानी लेना है, और इसको भिगो के 2 दिन के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 2 दिन आप देखेंगे कि जो लहसुन का छिलका है वो पूरा गल गया है, और उसका पानी नीचे क्रीम कलर का, यानी कि लहसुन के कलर का वाइट कलर का हो गया है। तो इसका मतलब है हमें जो चाहिए वो फर्टिलाइज़र अभी बन गया है, क्योंकि लहसुन में जो भी होता है वो सब अभी इन पानी में आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको छान लेंगे, छान के हम अलग कर लेंगे छिलके को, क्योंकि हमें इसको स्प्रे की बोतल में भी भरना है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी पार्टिकल रह जाए और हमारी बोतल में आए, ताकि बोतल को बिगाड़े नहीं। इसीलिए हमें अच्छी तरह से इसको छान के लेना है, और छिलके को अलग कर लेंगे और पानी को भी अलग कर लेंगे। हाँ, मगर इस पानी को आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। तो अभी आगे देखिए हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो छिलके को निकाल के आप इसको भी थ्रो मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, जहाँ पे हम कंपोस्ट बनाते हैं उसके ऊपर इस छिलके की एक लेयर कर देंगे, और उस बाद में इस लेयर के ऊपर हम पतली मिट्टी की और लेयर कर देंगे, ताकि इसमें कोई कीट वगैरह ना लगे। तो इस तरह से हम छिलके का भी उपयोग कर लेंगे। और अब देखते हैं हम इसके पानी, इसमें से जो निकला है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये बकेट भर लिया है, जो कि 20 या 25 लीटर का है। उसमें मैंने ये अप्रोक्स 1 लीटर के आसपास ये मेरा पानी निकला है। तो मैं इस पूरे बकेट में ये पानी मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको किसी सहायता, छड़ी के सहायता से अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लिए, ताकि पानी और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, पानी का कलर आप देख सकते हो कि पूरा वाइट हो गया है, लहसुन के जैसा। तो क्या करेंगे, ये हमने जो डाइल्यूट किया है उसको हम अपनी स्प्रे बोतल में भर लेंगे, क्योंकि हमें पौधों पे इसका स्प्रे भी करना है और मिट्टी में भी देना है। तो आपके यहाँ पे जितने भी पौधे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा पौधे हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा लिक्विड, यानी कि आधा बकेट और पानी लेके इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुड़हल के प्लांट के पीछे इस तरह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स लगे हुए होते हैं। आप नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता, इसलिए हमें प्लांट को रोज़ अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो ये मेरा प्लांट है गुड़हल का, जिसका हमने वीडियो पहले चैनल पे डाला है। इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट किया, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और इसके पत्ते पीले हो रहे थे। तो देखिए, हमने उसमें उस वीडियो में बताया कि हमने इसमें क्या ट्रीटमेंट किया है। तो दोस्तों, इस तरह से सभी पौधे के पत्ते के आगे और पत्ते के पीछे कोट हो जाए, इस तरह से आपको हर प्लांट पे स्प्रे करना है। हमारा मेन ये फर्टिलाइज़र बनाने का इरादा यही था कि हमारे प्लांट के पत्ते ऊपर लहसुन की स्मेल या उसका पानी का एक कोटिंग हो जाए, ताकि कोई भी अगर कीटाणु बाहर से आए, मिलीबग, एफिड, कोई भी, अगर ये स्मेल पत्तों पे आ रही होगी तो वो पत्ते पे बैठेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको हर 4-5 दिनों में, अगर आपके पास छिलके नहीं है तो आप 2-3 लहसुन की कलियाँ को कूट के उसका पानी भी बना सकते हैं।
तो आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो आपके पौधे पूरे स्वस्थ रहेंगे। कोई भी कीटाणु इस पर बैठने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इसकी स्मेल ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए, स्प्रे करते करते बीच में काम भी आ जाता है। पत्ते जो सूख रहे हो वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि सूखे पत्ते को प्लांट में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, मैं अपने हर पौधे पे इस तरह से स्प्रे कर दूँगी ताकि कोई भी कीटाणु उस पर बैठे नहीं। तो देखिए, विंका का ये प्लांट है। विंका को मैंने कैसे बुशी बनाया है वो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों, अभी मैंने स्प्रे ही किया है, मगर आपकी मिट्टी में अगर पानी डालना है तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, फिर आप उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दोगे तो उसमें जो ब्लैक छोटे छोटे से, कई सारे तो इतने छोटे होते कि हमें दिखाई भी नहीं देते, इस तरह से कई सारे कीटाणु हमारी सोइल में भी होते हैं, तो आप इसको सोइल में डालेंगे तो वो सब चले जाएंगे इसकी स्मेल से। तो आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।